कोरोना वायरस को लेकर जहां हर किसी में खौफ है, वहीं स्वास्थ्य विभाग इस रोग को लेकर अलर्ट पर है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला कांगड़ा में पंचायत स्तर पर महिला ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों को वायरस के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, सैन्य प्रशासन और प्राइवेट डॉक्टर्स को वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने वायरस को लेकर आम जनता को अवैज्ञानिक सलाह से बचने की अपील की है। बैठक की अध्यक्षता सीएमओ जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने की। सीएमओ जिला कांगड़ा गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर सोसाइटी में डर है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, धर्मशाला और आसपास के प्राइवेट डॉक्टर्स सहित सेना की ओर से भी आग्रह किया गया था, जिस पर आज बैठक करके सभी को कोरोना वायरस के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। जिला में बीएमओ और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से अधिक लोगों तक कोरोना वायरस को लेकर जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। 8 मार्च को हर ग्राम पंचायत में महिला ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हर ग्राम सभा में इस संदेश को जनता तक पहुँचाएंगे। ये जैसे कोरोना वायरस के बारे में, COVID-19 के बारे में सोसाइटी में, मीडिया में बड़ा सारा स्केयर है। इसके बारे में हमने ये फैसला किया कि ये अपने डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, साथ में हमें रिक्वेस्ट आई थी आर्मी अथॉरिटी से कि उनके डॉक्टर्स और स्टाफ को, साथ में प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जो हैं कांगड़ा और उसके धर्मशाला और उसके आसपास के, हमने आज ये इस बैठक का आयोजन किया कि सही जानकारी इन सभी को प्रदान की जा सके, जिससे आम जनता के फायदे के लिए। अभी वी हैव डेवलप्ड सिस्टम, हम जो है ये जानकारी जो है अपने बीएमओज के थ्रू, हेल्थ वर्कर्स के थ्रू, वी आर स्प्रेडिंग इट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। और अभी प्लान ये है, जैसे हमें सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, 8 मार्च को जो है हर एक ग्राम पंचायत में एक महिला ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे हेल्थ फंक्शनरीज, हमने उनको निर्देश दे दिए हैं कि वो हर ग्राम सभा में जाकर के इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा जनता तक फैलाएं। सीएमओ जिला कांगड़ा गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि हर सर्दी जुखाम कोरोना वायरस नहीं है। सरकार की ओर से निर्देश है कि विभिन्न 12 देशों से 10 फरवरी के बाद कोई मरीज आया है और उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं तो वो हमारे लिए संदिग्ध है, कंफर्म्ड फिर भी नहीं है। जुखाम खांसी के लक्षण नॉर्मल भी हो सकते हैं। आम जनता अवैज्ञानिक सलाह से बचे और इस संबंध में 104 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके जानकारी हासिल की जा सकती है। वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, अगर जैसे भी जरूरत पड़ेगी, हमें जैसे दिशा निर्देश होंगे, हम स्वास्थ्य विभाग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी दिशा निर्देश होगा उसको करने की अब कोशिश करें। हर एक सर्दी जुकाम जो है वो कोरोना वायरस नहीं है, ठीक है। सिर्फ अभी तक जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश हैं कि अगर कहीं नहीं 12 कंट्री से 10 फरवरी के बाद कोई पेशेंट आया है, साथ में उसको ये लक्षण पाए जाते हैं, तो वो हमारे लिए एक संदिग्ध है, कन्फर्म फिर भी नहीं है। बाकी जो इसमें कोई पॉजिटिव ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, वो जुकाम खांसी के लक्षण नॉर्मल भी हो सकते हैं, उसको किसी आम जनता को उस बारे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी भ्रांतियां हैं, हमने आज मीटिंग के दौरान भी आपके सामने ये चर्चा की कि आम जनता को ये सलाह दी जाती है कि हर एक अब ज्ञानिक सलाह से बचें, और अगर आपको कोई सलाह देता भी है, 104 हेल्पलाइन नंबर है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, कन्फर्म इट फ्रॉम 104 या हमारे किसी भी हेल्थ अथॉरिटी से कन्फर्म कर लें बिफोर यूजिंग इट। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। अपने शहर का करें आकलन, उठाएं नागरिक की आवाज और बताएं क्या आपका धर्मशाला शहर जीवन यापन की दृष्टि से उत्तम है या नहीं, जिसके आधार पर पेश किया जाएगा ईज ऑफ लिविंग एवं नागरिक अनुभव का रिपोर्ट कार्ड। तो आप भी ईज ऑफ लिविंग परसेप्शन सर्वे में भाग लेकर शहर के प्रति अपना विचार साझा करें। तो उठाए अपना फोन और बार कोड को स्कैन करके कहे अपने दिल की बात।
हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।